नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलगन के बारे में, क्योंकि दुनिया के जो पावरफुल देश हैं वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को जो है बनाने में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है इसको अपने बेड़े में शामिल करें। और रेलगन एक तरह से जो है अनस्टॉपेबल वेपन है, लेकिन इसको बनाने में जो चैलेंजेस हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़े हैं। वे जो चैलेंजेस हैं वे कुछ ना कुछ यहाँ पर जो हाइपर सोनिक वेपन्स है उनकी तरह है। तो भारत भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है और भारत भी अपनी रेलगन के ऊपर जो है काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से जो रेलगन होती है वो काम करती है और साथ में क्या क्या इसको बनाने में जो चैलेंजेस हैं वे यहाँ पर जो है सामने आ रहे हैं और ये कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसमें मेनली तीन पार्ट यहाँ पर होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट होता है पावर सोर्स, यानी कि किस तरह से इस रेलगन को जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई की जाएगी, किस तरह के सोर्स से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसको दी जाएगी ताकि ये काम कर सके। तो इसके बाद इसमें होती है दो रेल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेम लेंथ की यहाँ पर होती है। और इसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है यहाँ पर आर्मेचर। हालांकि दोस्तों, इसमें और भी जो छोटे बड़े कंपोनेंट्स भी होते हैं, लेकिन मेनली इन्हीं तीन पार्ट को यहाँ पर रखा जाता है। तो इसमें जो रेल्स होती है उसमें से एक पॉजिटिव चार्ज रेल होती है और इसके बाद जो दूसरी होती है वो है नेगेटिव चार्ज रेल। तो ये दो तरह की यहाँ पर रेल्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसमें से जो है करंट को गुजारा जाता है, और इस सब के बाद इसमें एक प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आप कह सकते हैं कि एक तरह का जो वॉरहेड है वो होता है। तो इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ पर जो है तेज़ी से यहाँ पर जो है फायर किया जाता है और वो कितनी ज़्यादा स्पीड पर जाता है तो आप उसका अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो 7 से लेकर 10 मैक तक हो सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का ये जो प्रोजेक्टाइल होता है ये हाइपरसोनिक स्पीड पर जो है ट्रैवल करता है, और इतनी स्पीड से मान लीजिए इसके अंदर एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी बिना किसी एक्सप्लोजिव के ये टारगेट को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जो है डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसके बाद इसे जो नेवी है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खास वेपन माना जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो नेवल शिप्स होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़े होते हैं। आप ले लीजिए यहाँ पर छोटी कॉर्वेट से लेकर बड़े डिस्ट्रॉयर तक, सबके सब 4000 टन से लेकर के 12000 टन के बीच में होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर साइज़ में बड़े होते हैं। और इसके बाद जो हेलीकॉप्टर कैरियर हो गए या फिर जो इसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़े होते हैं। तो इस तरह के जो बड़े नेवल शिप्स होते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक टॉर्पीडो या एक दो मिसाइल से यहाँ पर जो है काम नहीं चलता है। हालांकि जो टॉर्पीडो है और साथ में जो मिसाइल्स होती है एंटी शिप मिसाइल्स, वे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है नुकसान पहुँचा देती है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बाद आप सबको पता है कि किसी भी नेवल एसेट्स के ऊपर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वे होते हैं, तो ऐसे में टॉर्पीडो और साथ में एंटी शिप मिसाइल को ट्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो है हर देश अपने नेवल एसेट्स के ऊपर लगाना चाहता है। तो इस सब के बाद यहाँ पर एक एडवांटेज जो रेलगन है उसको ये हो जाता है कि इसका जो प्रोजेक्टाइल होता है सबसे पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर छोटा होता है, और इस सब के बाद वो हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करता है, तो बिना एक्सप्लोजिव के भी वो एक शिप को बड़ी आसानी से जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, और साथ में वो एक शिप में आर पार छेद करने की जो क्षमता है वो भी रखता है। और इस सब के बाद ये जो प्रोजेक्टाइल होता है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, और इसके अलावा इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस कारण से जो क्लोजिंग वेपन सिस्टम है यानी कि CIWS, तो उससे भी इसे रोकना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये जिस तरह का खास हथियार है तो इसे बनाने में उतने ही ज़्यादा जो बड़े चैलेंजेस हैं वे यहाँ पर सामने आते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस इसको बनाने में जो है सामने आ रहे हैं। तो जो बड़ा चैलेंज है वो है यहाँ पर पावर सप्लाई। तो देखिए दोस्तों, जो रेलगन होती है इसमें सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए यहाँ पर पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी को जो है प्रोवाइड कराना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन होती है इसमें किसी भी तरह के जो एक्सप्लोजिव है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस कारण से इसका जो प्रोजेक्टाइल होता है उसे काफ़ी ज़्यादा स्पीड पर यहाँ पर जो है यहाँ पर फायर करना पड़ता है। इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको यहाँ पर स्टोर करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दोस्तों जो
छोटे सिस्टम होते हैं उसमें कम से कम जो इलेक्ट्रिसिटी है वही आ पाती है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि जो सिस्टम है स्टोरेज का वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा हो, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जो है यहाँ पर स्टोर कर सके। तो इस सब के बाद यहाँ पर एक और चैलेंज ये है हीटिंग। तो देखिए दोस्तों, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको गुजारा जाता है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हीट हो जाती है, और इससे इसके जो दूसरे पार्ट या कंपोनेंट्स हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा हीट यहाँ पर होने लगते हैं। तो हीटिंग भी एक इसमें मेन जो है समस्या बनी हुई है। और इसके बाद हीटिंग के कारण यहाँ पर जो थर्ड चैलेंज आता है वो है मेल्टिंग। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल होता है उसको फायर किया जाता है, तो जो आर्मेचर होता है उसी के साथ जो प्रोजेक्टाइल होता है वे दोनों ही यहाँ पर जो है मेल्ट होने लगते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर प्रोजेक्टाइल के लिए हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले तो उसका जो साइज़ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो इससे जब वो रास्ते में होता है तो वहीं पर वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो चुका होता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि इस तरह के जो मटेरियल्स हैं उनको बनाया जाए जो कि इसको मेल्ट होने से बचाए। और इस तरह के जो मटेरियल्स हैं वे हाइपरसोनिक वेपन्स में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, और आप सबको पता है कि हाइपरसोनिक वेपन्स में अभी केवल जो रशिया है वही सबसे आगे है। तो दोस्तों, इस सब के बाद अब हम बात कर लेते हैं भारत की रेलगन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो DRDO है उन्होंने 2017 में जो 12 mm के जो बोर रेलगन है उसका यहाँ पर टेस्ट किया था, जिसने लगभग 6 मैक की जो स्पीड है उससे यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल है उसको फायर किया था। और अब DRDO 12 mm से 30 mm के जो बोर प्रोजेक्टाइल है उसके ऊपर यहाँ पर काम कर रहा है। और इस सब के बाद जो हमारी जो कल्याणी ग्रुप है अब वे भी यहाँ पर जो है सामने आ चुके हैं। उन्होंने भी इस फील्ड में अपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है उसका जो डिज़ाइन होता है उसे यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो इस डिज़ाइन के कंप्लीट होते ही जो यहाँ पर कल्याणी ग्रुप है वे इसके जो प्रोटोटाइप है उसके ऊपर जो है काम शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ आप सबको एक और यहाँ पर जो भारत का रेलगन का प्रोजेक्ट है वो सामने आता हुआ दिखाई देगा। तो इससे पहले भी जो भारत है वो हाइपर वेलोसिटी पर जो प्रोजेक्टाइल है उसको यहाँ पर जो है फायर कर चुका है, लगभग 90 के दशक में आप कह सकते हैं। तो इस सब के बाद भारत के अलावा यहाँ पर जो US है, रशिया है, UK है, चाइना है और जापान है, वे इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो अमेरिका है वो इस फील्ड में सबसे आगे है, और वे अपनी जो रेलगन है उसको अपने जो डिस्ट्रॉयर है उससे भी यहाँ पर टेस्ट कर चुके हैं। हालांकि दोस्तों, चाइना क्लेम करता है कि वो इन सबसे बहुत ज़्यादा आगे है। वे मानते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस और बड़ी रेलगन मौजूद है, और उनका एम है कि वे 2025 तक उसको कमीशन कर लेंगे। और उसकी जो परफॉर्मेंस है वे बताते हैं कि उसकी रेंज 124 मील तक है। तो आप सबको इस क्लेम के ऊपर क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले भी जो चाइना है वो क्लेम कर चुका है कि उन्होंने F-22 रैप्टर जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को 500 किलोमीटर दूर से जो है ट्रैक यहां पर कर लिया था अपने क्वांटम रडार से। तो दोस्तों, इसके अलावा भारत भी इसे अपने प्रोजेक्ट 18 क्लास डिस्ट्रॉयर में इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। We'll be right back.